हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे दो क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा, और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है, तो उन्हीं के जन्म दिवस को सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में भारत रत्न मिला था। सुशासन दिवस ये कब से मनाया जाता है? तो ये 2014 से मनाया जाता है। और 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मैंने आपको कल ही बताया था, 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस होता है 23 दिसंबर को। चौधरी चरण सिंह जो कि भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के जन्मदिवस को यानी कि 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे। अगला प्रश्न, 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन किया गया दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने ड्राइवर्स ड्राइवर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में ड्राइवर्स ड्राइवर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है लुइस हैमिल्टन, और ये मर्सिडीज चलाते हैं और ये इंग्लैंड के हैं। तो इन्होंने हाल ही में ड्राइवर्स ड्राइवर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे कॉरपोरेशन बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कॉरपोरेशन बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है पीवी भारती को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये है पीवी भारती, और वर्तमान में ये कैनरा बैंक की कार्यकारी निदेशक हैं। तो अब इन्हें कॉरपोरेशन बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है कॉरपोरेशन बैंक की, तो कॉरपोरेशन बैंक इसका हेडक्वार्टर है मैंगलोर कर्नाटक में, और इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा बेल्जियम, और इसमें दूसरे नंबर पर रहा फ्रांस, और तीसरे नंबर पर रहा ब्राजील। तो हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा बेल्जियम। और यहाँ पर बात हुई है फीफा की, तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, और फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है बेल्जियम, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की करेंसी है यूरो, और बेल्जियम के अभी तक प्रधानमंत्री थे चार्ल्स मिशेल, उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न, किस बैंक ने कुंभ मेला 2019 के लिए एक विशेष रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो कुंभ मेला 2019 के लिए एक विशेष रुपे कार्ड लॉन्च किया है पीएनबी ने। पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने। दुकानों पर सुविधाजनक और परेशानी रहित लेन देन के लिए पीएनबी ने यह रुपे कार्ड लॉन्च किया है, और ये कार्ड बिना इंटरनेट के भी काम करता है। और यहाँ पर बात हुई है पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1894 में, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना की थी, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके वर्तमान एमडी और सीईओ हैं सुनील मेहता, और इसकी टैगलाइन है ए नेम यू कैन बैंक अपॉन। अगला प्रश्न, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में
कितने रुपए के मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में 100 रुपये का एक सिक्का जारी किया गया है। और इसके आगे की तरफ भारत का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके पीछे की तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी का चित्र बना हुआ है, और इनके चित्र के नीचे लिखा हुआ है 1924 से 2018, यानी कि 1924 में इनकी इनका जन्म हुआ था और 2018 में इनकी मृत्यु हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला मैसेजिंग ऐप बिज बार्ड लॉन्च किया है? तो अपना पहला मैसेजिंग ऐप बिज बार्ड लॉन्च किया है तुर्कमेनिस्तान ने, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है असगाबत। असगाबत तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, और तुर्कमेनिस्तान की करेंसी है न्यू मनत। न्यू मनत यहाँ की करेंसी है। अगला प्रश्न, भारत के सबसे लंबे पुल बोगीबील का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के सबसे लंबे पुल बोगीबील का उद्घाटन किया गया है असम में, और यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, और ये असम के डिब्रूगढ़ को धेमाजी से जोड़ता है। असम के डिब्रूगढ़ को धेमाजी से ये पुल जोड़ता है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। तो भारत के सबसे लंबे पुल बोगीबील का उद्घाटन असम में किया गया है। तो हम थोड़ा सा असम के बारे में जान लेते हैं। असम की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव अभयारण्य हैं काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क और पोबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य। और असम में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। पश्चिम बंगाल और असम, भारत में ये दो ही राज्य हैं जहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं बिहू, नट पूजा, खेल गोपाल और कली गोपाल। असम में मंदिर है कामाख्या मंदिर, जो कि गुवाहाटी में स्थित है। अगला प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे कार्यकारी रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है पैट्रिक सनाहन को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है पैट्रिक सनाहन, और इन्होंने स्थान लिया है जिम मैटिस का। इससे पहले कार्यकारी रक्षा सचिव थे जिम मैटिस, तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पैट्रिक सनाहन को कार्यकारी रक्षा सचिव नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, इनमें से किस जगह को बुरुंडी की नई राजनीतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो बुरुंडी को नई राजनीतिक राजधानी घोषित किया गया है गीतेगा को। इससे पहले बुरुंडी की राजधानी थी बुजुम्बुरा। इससे पहले बुरुंडी की राजधानी थी बुजुम्बुरा, और अब नई राजधानी बन गई है गीतेगा। और यहाँ पर बात हुई है बुरुंडी की, तो बुरुंडी की नई राजधानी बन गई है गीतेगा, और बुरुंडी की करेंसी है फ्रैंक, और बुरुंडी के राष्ट्रपति हैं पियरे नकुरुंजीजा। पियरे नकुरुंजीजा बुरुंडी के राष्ट्रपति हैं। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। तो इसका ए ऑप्शन सही था। 22 दिसंबर को भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म दिवस होता है, तो उन्हीं के जन्म दिवस को यानी कि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, शॉर्ट में इसे कहते हैं कालिया, नामक योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, ओडिशा ने। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, भारत का पहला संगीत संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका आज का पहला प्रश्न है। और आज आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भीड़ हिंसा विरोधी विधेयक 2018 पारित किया? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर रोज़ सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।